नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हां, पेश है 14 सितंबर और शनिवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरें। आज चुकी है हिंदू पसा के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केजरीवाल हुए जेल से बाहर, 176 दिन लगातार जेल में रहे। उन्होंने कहा बाहर निकलते ही कि सत्सा था इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 13 सितंबर को शाम करीब 6:15 पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वे 176 दिन लगातार जेल में रहे। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई है। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने शर्तें रखी हैं। एक तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, दूसरी किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए तक का बेल बॉन्ड उन्हें भरना होगा, अगर जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। ये 6 प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। वहीं केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कहा कि सस्ता था इसीलिए भगवान ने साथ दिया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की, और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बजला सरकार ने जारी किए आदेश। प्रदेश की बजला सरकार ने कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात दी है। दिवाली से पहले तोहफा मिलने से राजस्थान की सेवारत कर्मचारी और पेंशनर्स में खुशी से झूम उठे हैं। दिवाली से पहले बिजला सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनरों को राहत दी है। वहीं दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एसआरए का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। दिवाली से पहले कर्मचारियों को इस सरकार ने 2 बड़े तोहफे दिए हैं। जारी आदेश में यह कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक नेशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं 11 अप्रैल 2023 से यह लाभ नकद दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एसआरए भरना होगा। अगली बड़ी खबर, रीड पेपर लीक के आरोपी पारासर मीणा की प्रॉपर्टी हुई कुरक, भजनलाल का सारा बुलडोजर, ईडी ने जब्त की 26 लाख की प्रॉपर्टी कैश, पेपर पढ़ाने वालों के खातों में मिले 14 लाख रुपए। राजस्थान में करीब 3 साल पहले 26 सितंबर 2021 हुए रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रीड पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी प्रदीप पारासर और रामकृपाल मीणा की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। ऐसे में आपको कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार का यहाँ बुलडोजर चला है। इन दोनों के पास, रामकृपाल मीणा और प्रदीप पारासर के पास, कुल करीब 26 लाख रुपए चल और असल संपत्ति मिली है। ईडी ने उसे जब्त कर ली है। अगली बड़ी खबर, खन्नाल में मसा हंगामा, आयोजकों ने कहा कि अब कभी नहीं होगी यहाँ धर्मसभा। बेनीवाल ने कहा हमारी राजनीति से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। समर्थकों ने भी लहराए झंडे। नागौर के खन्नाल में शुक्रवार को वीर तेजाजी के मेले में होने वाली धर्मसभा में हंगामा मच गया। लोगों ने माइक उखाड़ कर फेंक दिए। सभा में मौजूद कुछ लोग मंच पर भाजपा नेताओं के बैठने का विरोध कर रहे थे। लोग आरएलपी का झंडा लहरा रहे थे। बार बार अपील करने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो मंदिर कमेटी के कोषा अध्यक्ष बबूराम धौलिया ने धर्मसभा समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोगों को हमारी राजनीति से पेट में दर्द होने लगा है। आखिर इस हंगामे की शुरुआत कैसे हुई, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धर्मसभा में हर साल जन प्रतिनिधियों और नेता है वो मंच पर बैठते हैं। इसी प्रकार धर्मसभा शुरू हुई तो कुछ नेता मंच पर पहुंचे। नागौर के पार्षद गोविंद गढ़वा ने रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल के मंच पर आने की घोषणा की। इसी बीच भाजपा नेता रेवताराम डांगा और अर्जुन महरिया भी मंच पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही बेनीवाल समर्थक कुछ युवा नारेबाजी करने लगे। लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। इसके बाद यह हंगामा मच गया। वहीं आपको बताते हैं कि यहाँ पर एसपी का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उपद्रव करने वाले हुड़दंगियों को खदेड़ दिया गया है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 132 केवी जीएचएस छोड़कर भागी कंपनियां, डिस्कॉम कर्मचारियों को लगाया बड़ा झटका। ऊर्जा मंत्री बोले पिछली सरकार ने गलत टेंडर दिया।
राजस्थान में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन यानी जीएसएस का संचालन कर रही कंपनी के ठेका कर्मियों ने हड़ताल कर दी। रातों रात राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के यहाँ डिस्कॉम के कर्मचारियों को लगाना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पिछली सरकार ने गलत टेंडर जारी कर दी थी। RVNL डायरेक्टर नतमल डिटेल ने बताया कि अचानक जिम्मेदारी छोड़कर भागने पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक साथ 132 केवी जी से छोड़कर भागी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री को भी बयान देना पड़ा। ऊर्जा मंत्री बोले, मीटिंग बुलाई गई है, फाइलों की जांच की जाएगी। इस तरीके की घटना गलत है। ऐसा क्या कारण रहे कि कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई? मेरे भी संज्ञान में यह मामला आया है। कंपनी को पिछली सरकार में गलत तरीके से टेंडर दिया गया, हमने इस पर मीटिंग बुलाई है, पुरानी फाइलों की जाँच करवा रहे हैं। कंपनी दोषी होगी तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के लिए बड़ी खबर, महिला ने एसडीएम की बाल पकड़ कर खींची, वीडियो हुआ जारी। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी एसडीएम, लोगों ने कहा बुजुर्ग को उसने महिला ने धक्का मारा। एसएसओ लाइन हाजिर, धर्म कांटे को हटाने गई एसडीएम को महिला ने बाल पकड़ कर खींचा। लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने बुजुर्गों को धक्का मारा। मामला गंगापुर सिटी के टोडा भीम का है, जहां नाथ गांव का 12 सितंबर को 4 बजे का है। इसका वीडियो सामने आया है। मामले में एचबी ने टोडा भीम थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। गंगापुर सिटी के एसडीएम ने इस मामले को लेकर कहा कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाए। वहीं धर्म कांटे को हटाने गई एसडीएम की महिला बाद जिसने बाल पकड़ कर खींचे थे, उसने आरोप लगाया है कि एसडीएम महिला ने बुजुर्गों को धक्का मारा था, इसके कारण उसने बाल पकड़ कर खींचे हैं, तभी उसको गुच्छा आ गया था। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, पूनिया सहित 5 नेताओं को बनाया स्टार प्रसारक, दलितों को साधने की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल पर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बढ़ाया कद। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 40 नेताओं की इस लिस्ट में प्रदेश के 5 नेताओं को भी जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में सीएम अजलाल शर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अलग अलग सीटों पर इनकी सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएगी। प्रदेश की बड़ी खबर, 35-35 लाख रुपए की ज्वेलरी पहनकर मेले में आई महिलाएं, सचिन पायलट के रोंगटे हुए खड़े, सिर से पैर तक सोने से लदी देख पायलट बोले, इतने सारे गहने मैंने जिंदगी में पहली बार कभी नहीं देखे। जोधपुर में पर्यावरण और खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए 297 साल पहले 363 लोगों ने जान दी थी। उनकी याद में जोधपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर खेजड़ी गांव में शहीदों की याद में हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा। शुक्रवार को भी मेले में बड़ी संख्या में बैष्णव समाज के लोग शामिल हुए। मेले में सोने के गहनों से दर्दकर महिलाएं पहुंची, एक एक महिला ने करीब 35-35 लाख रुपए तक के गहने पहन रखे थे। जोधपुर, भलोदी, नागौर, बीकानेर, चांचूर, जालोर, पाली सहित विभिन्न जिलों में रहने वाले समाज के लोग मेले में शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और MP राज्यों से भी लोग आए और शहीदों को नमन किया। खेजड़ली में बिश्नोई समाज के आराध्य जम्बेश्वर भगवान का मंदिर बनाया गया है। एक दिन पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें आपको बता दें कि अब महिलाएं हैं वो गहने वो 35-35 लाख रुपए तक के पहन कर आई हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महिलाओं के गहने पहने हुए नजर आ रहे हैं। आधा किलो तक सोना पहनकर पहुंची महिलाएं, मान्यता है कि खेजड़ी गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हुए लोगों के सम्मान में ये महिलाएं गहने पहनकर पहुंचती हैं। मेले में महिलाएं करीब आधा किलो तक सोना पहनकर पहुंची, इसके माध्यम से ये बताते हैं कि महिलाएं भी सज धज कर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लाखों के गहने पहनकर महिलाएं बेफिक्र होकर मेले में घूमती हैं। माँ और दादी की बात निभा रही है ये परंपरा। वहीं सचिन पायलट ने इस पूरे मामले की तारीफ की, उन्होंने कहा कि मोटे मोटे गहने पहनो, मुस्कुराते रहो। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पहली बार देखा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की नई योजना, किसानों को मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी। राजस्थान की सरकार की नई एक योजना आई है, इसके तहत सरकार किसानों को 50,000 रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। बता दें कि किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश में सरकार की ओर से पूरे राजस्थान में 5,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का टारगेट लगा गया है। इस कदम के तहत प्रदेश के अंदर कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएंगी। इसके लगाने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जोड़ सकें, अधिक से अधिक किसान जैविक खेती को अपनाएं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में राज्य में कुल 5,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएंगी।
सब्सिडी यूनिट लगाने के लिए किसान ई मित्र केंद्र पर या राजस्थान किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान को सब्सिडी दी जाएगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने की स्थिति में लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए किसानों के पास कम से कम 6 महीने पुरानी जमाबंदी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, दिया कुमारी ने की बड़ी घोषणा, जोधपुर खेजली 4 लेन सड़क का होगा जल्दी निर्माण। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खेजरली शहीद मेले में शिरकत की। दिया कुमारी ने जोधपुर खेजरली को 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग का नाम भी शहीद अमृता देवी बिश्नोई सड़क मार्ग होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, आवासन आयोग ने छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं बनाने की प्लानिंग। अधिकारियों को भूमि चिन्हित करके आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की आवास का सपना साकार होना चाहिए। राजस्थान आवासन मंडल की सभी अधिशेष व्यावसायिक और अवासीय परिसमितियों का नियमानुसार जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि लोगों को समय पर आमजन को अपना आवास देने का जो संकल्प है वो साकार हो सके। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलंब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास जल्दी से उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। धार्मिक स्थल का हिस्सा मकान पर गिरा, एक की मौत, संभल खतरे के निशान के ऊपर, पुलिस की गई तैनात। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम ने राजस्थान के पूर्वी हिस्से को उत्तर बतर कर दिया है। भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बारा, दौसा समेत कई जिलों में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश हुई है। सवाईमाधोपुर, धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई कस्बों और गांवों में जल भराव की स्थिति हो गई है। सवाईमाधोपुर के खंडार में एक धार्मिक स्थल का निर्माणाधीन हिस्सा पास के मकान पर गिर गया। वहीं जयपुर के आमेर सागर बांध में मगरमच्छ निकलकर भैरव मंदिर में पहुंच गया। मौसम केंद्र प्रदेश के 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 61% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं 14 से 16 सितंबर तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और कुछ स्थानों पर छुटपुट, जबकि वहीं कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।